भाइयों, मैं धर्मपाल मलिक जींद से हूँ। आज का हमारा टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ मोठलवारी। भाइयों, ये दो गांव हैं मोठलवारी, दोनों अलग अलग हैं और डिस्ट्रिक्ट हिसार के अंदर हैं। पहले इनकी तहसील हांसी होती थी, आजकल नई तहसील नारनौंद बन गई। लेकिन इन दोनों गांवों के बोली इकट्ठे जाते हैं, बिल्कुल अलग 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 हैं। लुवारी का पूरा नाम है लुवारी रागो। यहाँ रागो गोत के जो वो रांगड़ रहते थे 1947 से पहले, और उन्हीं का गांव था, इसलिए उसका नाम लुवारी रागो है। और मोठ के अंदर जो है उसमें भी मोठ रांगड़ान और मोठ चाटान दो पाने हैं। मोठ रांगड़ान के अंदर रांगड़ रहते थे, लेकिन उनका गोत रागो नहीं था, उनका गोत जोनी तंवर और जाटू था। मोठ जोनी वो सतरोड़ में था, यहाँ हरियाणा के अंदर गांव के ग्रुप होते हैं। और लुवारी जो था राग रोगी के अंदर था, राघो से ही रोगी बनी है। राघो गांव उनका गोत था रांगड़ों का, और उनका रोगी में कई गांव आते थे, जैसे डाटा, गुराणा, मसूदपुर, मैजत, सिसाए, बाटला, चन्नत, राजली, गिराए, खोखा, खरकड़ी और इसी बाटला के अंदर जो है नी, उसमें भी राघो गोत के रांगड़ थे जो इनके भाई थे। 47 के अंदर वो बाटला से हाँसी चले गए, वहाँ से आजमपुर जमाल पर होते हुए बलियाली, और बलियाली से बुआणी खेड़ा आके रेल में बैठ के पाकिस्तान में चले गए सुख शांति से। लेकिन लुवारी जिसके लिए प्रसिद्ध है वो ये है, लुवारी के अंदर जो नहीं कई आसपास के गांव के लोगों ने कई अटैक किए, लेकिन लुवारी नहीं टूटा, और फिर आर्मी मिलिट्री ने आके जो नहीं लुवारी को तोड़ा। अब प्रश्न ये उठता है, हरियाणा के अंदर बहुत से गांव रांगड़ों के थे और बड़े बड़े थे। जैसे एक कहावत हरियाणा में, दिल्ली से 30 कोस पर कान और निगाना, आप पे बो आप पे खाओ राज ने देनी दाना। चिड़ी चांदी और बैसी बहुत बड़े गांव थे, कानी पुठी बहुत बड़े गांव थे, जुंडला, संध, निशिंग, मूनक, ये रांगड़ों के बहुत बड़े बड़े गांव थे, लेकिन कहीं भी मिलिट्री ने आके नहीं तोड़ा। लुवारी में ऐसी क्या खास बात थी मिलिट्री आई? यहाँ मैं स्पष्ट करना चाहूँगा, इससे पहले मैं ये बता दूँ, डिस्ट्रिक्ट हिसार जो है नी उस जमाने का बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट था, लुवारू से लेकर डबवाली तक था, और इसके अंदर मुसलमानों की आबादी 20% थी, जिसमें 10% जो नहीं वो रांगड़ थे। और रांगड़ों ने 1857 के अंदर गदर के अंदर विशेष रोल था उनका, सभी जातियों में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, जिसमें जाट, बिश्नोई, बट्टी, राजपूत और जोनी रांगड़ थे, लेकिन लीडरशिप रांगड़ों के हाथ में थी, और रांगड़ों का ही सबसे बड़ा नुकसान हुआ था। शहजादा मोहम्मद अजीम जोनी उस लड़ाई का लीडर था, जिसमें अंग्रेजों हिसार के अंदर अंग्रेज डीसी और दूसरे अंग्रेज अधिकारी भी मारे गए थे। शहजादा मोहम्मद अजीज जो था उसका घर हिसार के डोगरा मोहल्ला के अंदर था, अंग्रेजों ने जब अटैक किया तो उसके घर को चला दिया गया, उसकी बेगम को पकड़ लिया गया। शहजादा ने जोनी मंगालिया के अंदर जाके अपनी सेना इकट्ठी दो वहां कर ली, फिर वहां अंग्रेजों के साथ लड़ाई हुई, लेकिन शहजादा की हार हुई। वहां से शहजादा जो नहीं वो टुवाणा चला गया, टुवाणा तहसील के खजाने को लूटा। उसके बाद वो हांसी आ गया, हांसी के पास 2 सितंबर 1857 को आजमपुर गांव के अंदर लड़ाई हुई, मोहम्मद अजीज की हार हो गई और गांव आजमपुर को अंग्रेजों ने जला दिया। उसके बाद वो मंगाली को दोबारा गया, मंगाली में फिर अंग्रेजों के साथ लड़ाई हुई, 400-500 सैनिक मारे गए, जिनमें मेजोरिटी रांगड़ों की थी, और गांव को 11 सितंबर 1857 को जला दिया गया। उसके बाद शहजादा जोनी जमालपुर गांव में आ गया, जो हांसी के पास है, 13 सितंबर 1857 को फिर यहाँ अंग्रेजों के साथ लड़ाई हुई, लेकिन शहजादा की हार हुई और गांव को जला दिया गया। उसके बाद शहजादा जोनी वो रिवाड़ी चला गया रावतुल्ला राम के पास, वहाँ 16 नवंबर 1857 को जोनी नारनौल की लड़ाई हुई, जिसमें रावतुल्ला राम और शहजादा मोहम्मद अजीम की जोनी हार हुई। उसके बाद रावतुल्ला राम तो अफगानिस्तान चला गया, लेकिन महमूद अजीम का ये नहीं पता लग गया वो कहाँ गए, ये सच है कि वो लड़ाई में नहीं मारा गया। इसी तरह से फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 से 1918 तक था। अगर भारतीय इंडियन आर्मी का जोनी पहला विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ हुआ
तो फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान हुआ था, और उसमें रंग रेजिमेंट थी जिसकी जोनी ड्यूटी जोनी सिंगापुर में लगाई हुई थी, और उसमें ज़्यादातर 80 के आसपास आजमपुर, जमालपुर, बलियाली, कलानौर, कानौर, निंगाना इनके बच्चे थे। उन्होंने जब लड़ाई के बीच में 1917 के आसपास अंग्रेजों ने कहा सिंगापुर से बदल के चलो आपको तुर्की बॉर्डर पर लेके चलते हैं, उस टाइम तुर्की का खलीफा होता था, सैनिकों ने जो तुर्की जाने से इनकार कर दिया और 120 सैनिकों को उसी वक्त अंग्रेजों ने गोले से उड़ा दिया। उस रेजिमेंट का नाम था रंग राजपूत रेजिमेंट, ये इनका दूसरा कारनामा था। उसके बाद फिर आता 1947 पार्टीशन ऑफ इंडिया, जिसके अंदर आसपास के गांव के लोगों ने, लेकिन उसमें सारे गांव शामिल नहीं थे, जो गांव के एंटी सोशल एलिमेंट होते थे, या तो जिनकी शादियां नहीं हुई थी या वो लुटेरे थे, वो लुहारी को लूटने के लिए आते थे। इसको आप धर्म की बजाय, अगर धर्म युद्ध की बजाय अगर लूट का वार किया जाए तो वो अच्छा होगा। वो जब भी लुहारी के अंदर जो नहीं, एक हाकम अली शक्का नाम का आदमी था, उसे घोड़ी वाले के नाम से मशहूर था, और वो बड़ा बहादुर था। उसका एक साथी धनी रंगडोर था, वो दोनों पीठ से पीठ मिलाकर लड़ते थे, तो पटे के बड़े मर्द थे, तो वो हारते नहीं थे। वो घोड़ी वाले के नाम से हाकिम अली प्रसिद्ध हो गया। जब ये आ गया घोड़ी वाला, आ गया घोड़ी वाला, लोग भाग लेते थे, और वो जो नहीं केवल सड़क पर जो मिलता था उसको बल्ला मारता था, और इस तरह से एक दो आदमी रोजाना मर जाता था। पाकिस्तान के अंदर कहा जाता है कि हाकिम अली ने सैकड़ों आदमी मार दिया, हजारों मार दिए, बिल्कुल गलत है। बल्कि बंदा मीर ने रागनी बना रखी है, वह दिल्ली तक की रांड जाटनी कर दी राम लुवारी ने, ये संभव ही नहीं है दिल्ली के जाट आकर वहां लड़े। तो अब किस्सा आता लुवारी के ऊपर अटैक क्यों हुआ। जैसे मैं कहता हूं कैसे आदमी, एक अबतपर का आदमी मरिया था, एक ब्याने खेड़े का मरिया था, एक खापड़ का मरिया था, दो सिसाए के मरे थे, जबकि सबसे बड़ा गांव था। अब जिक्र ये आता लुवारी के ऊपर मिलिट्री नहीं अटैक क्यों गया। सिसाए गांव का चौधरी लाजपत राय का, राय साहब का लड़का होता था रघुबीर सिंह, जिसको कैप्टन रघुबीर सिंह, वो फौज में कैप्टन था, और कुछ लोग लुटेरों के साथ तमाशाई लोग भी आते थे, चलो तमाशा देख कर आते हैं, तमाशा देख कर आते हैं। उसको लोग ले आए, और जो उसके पास बंदूक थी, लेकिन उस बंदूक की जो गोलियों की बेल्ट थी वो एक अनपढ़ आदमी ने डाल ली। जब घोड़ी वाला आया, कमाली आया, तो वो बेल्ट लेके भाग गया, उसके पास सिर्फ खाली बंदूक रह गई। आ कमली 1.5 किलोमीटर तक जाता था, फिर वापिस आता था, और लोग भाग लेते थे। कैप्टन रघुबीर सिंह बाजरे के खेत में घुस गया, लेकिन उसको गर्मी लगी, जब शोर बंद हो गया तो उसने समझा कि अब तो सब जा चुके गांव की तरफ, चलो। उसका तो सड़क पर आने का चांस बैठ गया, और हाकम अली का वापिस आने का बैठ गया। हाकम अली ने उसको मार दिया। इसके बाद जब उसके दाह संस्कार के ऊपर आर्मी आई, उन्होंने कहा भाई हमारा कैप्टन मार दिया, बदला लेंगे। वो गांव लुवारी के अंदर गए, गांव को उन्होंने इकट्ठा किया, भाई आप हथियार जमा करवा दो, गाँव और पाकिस्तान में जाना पड़ेगा। गाँव वालों ने कहा पाकिस्तान में तो चले जाएंगे, हथियार जमा नहीं कराएंगे। तो इस पर उनका आपस में जो नहीं वो तनाजा हो गया, और आर्मी वालों ने अपनी जो है नहीं वो जीप, वो गाड़ियां वगैरह थी, वो वापिस कर ली। उन पर मशीन गन लगी हुई थी, और गांव वाले लुहारी वालों ने सोचा ये डर के वापिस जा रहे हैं। लुहारी वाली सड़क, सिसाए वाले की सड़क की तरफ तालाब है, सड़क और तालाब के बीच में जहाँ आजकल लुहारी का स्कूल बना हुआ है, मस्जिद थी, वह मैदान के अंदर लुहारी के जितने यंग लड़के थे वो सारे लड़ने के लिए आ गए, और सेना ने जो नहीं वो मशीन गन खोल दी। इससे 400-500 आदमी लुवारी के रांगड़ों के मारे गए, और कुदरती बरसात आ गई, और उन्होंने सैन्य मिलिट्री वालों ने सोचा कहीं रास्ता कच्चा है, गाड़ी दस नहीं जाए, इसलिए वो वापिस आ गए। फिर गांव की लुवारी की पंचायत हुई रात को, क्या भाई अब क्या किया जाए, सुबह फिर जो नहीं मिलिट्री आएगी और मारेगी। उन्होंने रात के कोई 10-1 बजे बरसात के अंदर ही इकट्ठा होकर सारा गाँव छोड़ दिया। इस लड़ाई के अंदर जो नहीं हाकम अली, उसका भाई छोटू मारे गए, और उसका तीसरा भाई, छोटा भाई था मुंशी, उसके पट में गोली लगी, उसको वो घायल ही छोड़ गए, उसकी ये नहीं पता उसके बाद वो मरा या जिया। और उसका एक भाई, चौथा भाई और था,
बसीर अहमद वो पाकिस्तान में चला गया। आकिम अली का परिवार आज भी पाकिस्तान के अंदर रहता है और बावल नगर के अंदर वो रहता है। उसके आकिम अली के तीन लड़कियां और दो लड़के थे, दो लड़कियां उसकी लुवारी में रहते हुए ब्याही हुई थी, वो अपनी ससुराल में थी। उसकी आकिम अली की बीबी आकिम अली के परिवार वाले कहते हैं कि वास्तव में हम शक्के नहीं थे, शक्के वो होते हैं जो मुसलमानों के एक तरह से जिम्मर होते हैं, जो क्योंकि रंग राजपूत लोग अपनी औरतों से काम नहीं करवाते और वो घरों में पानी जो नहीं शक्का कहते हैं उनको जो पानी भरने वाले होते हैं, वो पानी भरा करते उस जमाने में। उसकी बीबी का नाम नूरी बेगम था जिसकी 2003 में पाकिस्तान में बावल नगर में ही जाके मौत हुई है 100+। वो कहते हैं हम वास्तव में बड़ गुज्जर थे और हमारे आकमले के पिता का नाम नानगा था और उसकी माँ का नाम था नूरबरी और वो मिर्जपुर गांव में रहते थे। बारादरी के पास जो रास्ता है जींद से बरवाला सड़क जाती है उसके ऊपर तालाब है, एक रास्ता छोटी कोच को गया, एक बड़ी को, एक जजपण को, एक मिलतपुर को। वहाँ उसका तो पिताजी जो नहीं वो रेवड़ वगैरह रात को मतलब खड़ा करता था और वहाँ रहता था। उसके बाद ये नहीं पता कि 47 के बाद क्या तो उसके पिताजी का हुआ और क्या उसके परिवार का हुआ। तो बड़ा अच्छा भाईचारा था रांगड़ों का और जाटों का और डिस्ट्रिक्ट इंसार का कलेक्टर हुआ है, DC इंसार हुआ है SS ब्राउन। उसने 15 दिसंबर 1841 को लिखा था कि इंसार डिस्ट्रिक्ट के मूल निवासी सिद्धार्ट और रांगड़ी ही हैं, दोनों खेती करते थे और दोनों जो है नी मिलिट्री में उनके लड़के लगते थे और दोनों ही मार्शल कम्युनिटियाँ थी। तो ये था लुवारी को कैसे तोड़ा गया, मिलिट्री क्यों आई, आकिम अली कौन था। भाइयों मैं यहाँ यह भी स्पष्ट करना चाहूँगा कि रोगी का जो चौतरा था वो उस जमाने के अंदर जो नहीं लुवारी के अंदर होता था और जब भी पंचायत होती थी सभी गांवों की हिंदुओं का खाना अलग बनता था और मुसलमानों का अलग बनता था और हिंदुओं के ओके अलग होते थे, उनको जो नहीं ओका पानी पिला खाना खिलाने वाला वो किस अरेंजमेंट करते थे किसी ब्राह्मण वगैरह का। मैं यहाँ यह भी स्पष्ट करना चाहूँगा 1857 के अंदर जो नहीं आजमपुर जमालपुर रोहनायत पुट्ठी मंगल खां मंगाली इन सारे गांवों को जला दिया गया था और इनकी जो नहीं प्रॉपर्टी फॉरफिट कर ली गई थी। और आसी के अंदर लाल सड़क है उसके ऊपर मैक्सिमम इन्हीं लोगों के गांव को ऊपर गिरडा फेरा गया था जिसका नाम आज भी लाल सड़क है। तो इसलिए वो फ्रीडम फाइटर थे और जो आज़ादी प्रिय लोग थे और यहाँ के मूल निवासी थे और हमारे जो असली हरियाणवी जो वो हरियाणवी भाषा को भी रांगड़ी भाषा कहा जाता है तो वो यहाँ के थे, हमारे भाई थे और हम आज भी उनको याद करते हैं। जय हिंद।